प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने कीबोर्ड में हम सेक्साफोन कैसे बजा सकते हैं। यार रियल में जो सेक्साफोन होता है उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर, बहुत ही मनमोहक, बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उतनी मधुर उतनी सुंदर आवाज़ इस हमारे कीबोर्ड में तो नहीं मिल सकती है। लेकिन फिर भी इसमें हमको 8-10 या 8-10 से ज़्यादा ही टोन मिलते हैं, जिससे हम सेक्साफोन के अलग अलग ट्यून को बजा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा स्केल ऊपर नीचे करके ऐसे 8-10 ट्यून मौजूद है इस कीबोर्ड में। कल रात में ऐसे में कुछ सेक्साफोन से बजे गाने सुन रहा था यूट्यूब पे, लेकिन उसके बाद सुनने के बाद मैं अपने कीबोर्ड में उनकी आवाज़ निकालने की कोशिश की, लेकिन उस लेवल का जितना बेहतरीन आवाज़ रियल वाले सेक्साफोन से निकलता है उतना बेहतरीन इसमें किसी भी जो 8-10 टोन जो भी मौजूद है उसमें से किसी में भी नहीं निकला। लेकिन फिर भी बजाने के लिए मौजूद है, यही बहुत है। बजा के देख सकते हैं यानी किस तरह से सेक्साफोन आवाज़ करता है। और हमसे एक दिन किसी ने पूछा भी था कि अपने इस कीबोर्ड में हम सेक्साफोन का ट्यून कैसे बजा सकते हैं और कितने ट्यून मौजूद हैं और किस नंबर पर मौजूद है। तो चलिए इन सारी बातों को देखने के लिए कीबोर्ड पर चलते हैं। हाँ भैया, तो हम अपने कीबोर्ड को यहाँ से ऑन कर लेते हैं। अब ऑन कर दे, देखिए एक नंबर आ गया। अब यहाँ से हमको सेक्साफोन का पहला ट्यून लेने के लिए जाना पड़ेगा 141 नंबर पे। तो 141 नंबर पे देखिए ऑल्टो SAX-1 लिख के आ गया। तो यही सेक्साफोन का पहला ट्यून है जो हमको इस कीबोर्ड में मिलता है। अब इसका ट्यून अगर बजा कर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से निकल रहा है। अब इसी के आगे अगर हम चलें तो जैसे दूसरे नंबर पे 142, थोड़ा सा ट्यून चेंज हो गया। वन फोर्टी थ्री भी वही है, ये थोड़ा सा हार्ड है। वन फोर्टी फोर भी वही है। वन फोर्टी फाइव भी वही है। वन फोर्टी सिक्स भी वही है। वन फोर्टी सेवन भी वही है। वन फोर्टी एट ऑल्सो। वन फोर्टी नाइन ऑल्सो। ये भी वही है। तो 141 से लेकर 150 तक कंटिन्यू यहाँ पर सेक्साफोन के ट्यून मिलते हैं, लेकिन ये सारे ट्यून बस सेक्साफोन का हल्का सा इसमें हल्का सा टेस्ट आता है बस इन सारे 141 से 150 तक के बीच में। आपको साउंड डिफरेंस उतना तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब सामने से बजाएंगे तो नजर आएगा है साउंड डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद 150 के बाद हमको 331 पे कुछ सेक्साफोन के ट्यून मिलते हैं। जैसे देखिए 331 है, अब इस पर अगर बजा के देखा जाए इस पे कुछ इस प्रकार का ट्यून मिल रहा है। इसके बाद 32 भी वही है। 33 भी वही है। 34 ऑल्सो। 34 तक। तो यहाँ पे 331 से लेकर 334 तक भी हमको सेक्साफोन के ट्यून मिलते हैं। तो कुल इतना टोन ये हमारे इस कीबोर्ड में प्रेजेंट है। तो आप इसमें से देख लें आपको कौन सा ट्यून अच्छा लगता है सेक्साफोन को बजाने के लिए। ये अभी जो 331 के बाद मिली है थोड़ा सा अच्छे ट्यून मिल रहे हैं। तो चलिए इस पे एक गाना बजा के देखते हैं।
अगर यही ट्यून अगर असली सैक्सोफोन में आप सुनेंगे ना तो इसका साउंड गजब ही लगेगा। इसमें जो भी ट्यून निकल रहा है सैक्सोफोन का, जैसे यहाँ से बजाएंगे तो अलग ट्यून निकलेगा, यहाँ से बजाएंगे तो अलग ट्यून निकलेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं इसकी आवाज में थोड़ा फेर बदल किया जाए तो इसका हम रिवर्ब चेंज करेंगे तो रिवर्ब चेंज करने से बहुत कुछ बदलता है। ऐसे ना हम लोग किसी भी ट्यून का अगर रिवर्ब बदले तो उसका साउंड बदलता चला जाता है। तो ये बहुत बहुत समझने वाली चीज है, बहुत एक्सपीरियंस वाली चीज है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसमें हम बजा रहे हैं, सैक्सोफोन हो गया, हारमोनियम हो गया, सितार हो गया, गिटार हो गया, कुछ भी, उसका आवाज जो होता है ना रिवर्ब के बदलने से आवाज बदलता जाता है। तो हमको रिवर्ब को बहुत सीखना पड़ता है, इस नंबर का रिवर्ब लगाएं या कितना ज्यादा या कितना कम करें तो उसका एप्रोप्रिएट एकदम परफेक्ट आवाज निकल पाएगा। तो आई होप कि आपको इस कीबोर्ड में सैक्सोफोन को बजाने के बारे में सारी बातें समझ में आई हो। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।